सितंबर 2020 के साइंस एडवांसेस जर्नल में छपे एक शोध पत्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान एक ऑर्बिटर से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा की है। चंद्रयान एक ने 2008 में चांद की सतह पर बर्फीले पानी की खोज की थी और कई तरह के खनिजों की मैपिंग भी की थी। शोध पत्र के प्रमुख लेखक और हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिकल एंड प्लैनेटोलॉजी के प्रोफेसर शुआई ली ने नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किए गए चंद्रयान एक में तैनात मून मिनरोलॉजी मैपर M3 के आंकड़ों के आधार पर उस बर्फीले पानी का गहन अध्ययन किया। M3 की दुर्लभ तस्वीरों में सतह से परावर्तित प्रकाश से पता चला कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की संरचना बाकी हिस्सों से अलग है। ली को इससे हेमेटाइट होने का अंदाजा हुआ। हालांकि चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों से पटी है, लेकिन हेमेटाइट की मौजूदगी उन्हें हैरान कर रही थी। हेमेटाइट एक तरह का आयरन या फेरिक ऑक्साइड है जो लोहे के ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से बनता है, लेकिन ये चंद्रमा पर कैसे? इस रहस्य का सूत्र सौर हवाओं तक जाता है। ये हवाएं आवेशित कणों की प्रवाह है जो सूर्य से पृथ्वी और चंद्रमा पर हाइड्रोजन की वर्षा करती है। हाइड्रोजन हेमेटाइट नहीं बनने देता क्योंकि ये एक रिड्यूसर यानी कि अपचायक है। इसका अर्थ है कि ये जिस पदार्थ से प्रतिक्रिया करता है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ता है। वही लोहे में जंग लगने के लिए एक ऑक्सीकारक की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन को दूर हटाए। पृथ्वी को तो उसका चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के हाइड्रोजन से बचा लेता है, जबकि चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में शोधकर्ता ली ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों एबिगेली फ्रीमैन और विवियन सन की मदद ली, जिन्होंने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में हेमेटाइट की मौजूदगी की पुष्टि की। ली और उनकी टीम ने इसके बाद चंद्रमा जैसे उच्च रिड्यूसिंग वातावरण में जंग लगने की व्याख्या तीन सिद्धांतों के सहारे की। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैसे तो चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, लेकिन यहाँ अत्यंत अल्प मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। इस ऑक्सीजन का स्रोत है हमारी पृथ्वी। साल 2007 में जापान के कागुया मिशन ऑर्बिटर ने खोज की थी कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से काफी मात्रा में ऑक्सीजन चंद्रमा के सतह तक पिछले 2.4 करोड़ साल के दौरान पहुंचती रही होगी, जब चंद्रमा पृथ्वी के मैग्नेटोटेल से गुजर रहा होगा। सौर हवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को विशाल पूंछ में बदल देता है, जिसे मैग्नेटोटेल कहते हैं। ये खोज M3 के आंकड़ों से मेल खाती है, जिसे धरती की तरफ रुख किए चंद्रमा के नियर साइड पर ज्यादा हेमेटाइट होने का पता चलता था। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का ये ऑक्सीजन ही मुख्य रूप से चंद्रमा के सतह में मौजूद लोहे को फेरिक आयरन में ऑक्सीकृत करता रहा होगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी का मैग्नेटोटेल एक मध्यस्थ की भूमिका में है। ये मैग्नेटोटेल पृथ्वी से चंद्रमा पर ऑक्सीजन पहुंचाने के अलावा कुछ समय के लिए चंद्रमा तक सौर हवाओं को पहुंचाने से भी काफी हद तक रोकता है, खासकर पूर्ण चंद्र के दौरान। इस दौरान चंद्रमा पर हेमेटाइट बन सकता है। तीसरा सिद्धांत पानी से जुड़ा है। वैसे चंद्रमा का ज्यादातर हिस्सा सूखा है, लेकिन धरती से दूर वाले हिस्से में गड्ढों में पानी के बर्फ जमे मिले हैं। शोध पत्र में चंद्रमा की सतह में पानी के अणुओं पर जोर दिया गया है। ली की धारणा है कि स्पेस की धूल कणें चंद्रमा की सतह से टकराकर इन पानी के कणों को बाहर निकालती होंगी, जो चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद लोहे से मिलकर जंग पैदा करती होंगी, खासकर उस दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के मैग्नेटोटेल के कारण सौर हवाओं से बचा रहता है। अनुमान के मुताबिक पिछले अरबों सालों के दौरान अलग अलग समय में बने गड्ढों में जमा हेमेटाइट में पृथ्वी के ऑक्सीजन आइसोटोप्स संरक्षित होंगे, जो इस पूरी अवधारणा को प्रमाणित करने का आधार बन सकते हैं। इसे चंद्रमा की सतह के विकास में पृथ्वी की अहम भूमिका के साथ साथ पृथ्वी के वायुमंडल के विकास को समझने में भी मदद मिलेगी।